सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिका हिंदी व्याकरण पाठ संख्या 3, मात्राएं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों का जहां स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता और शब्दों के निर्माण में उन्हें विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है, उन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अ स्वर को छोड़कर सभी स्वर के कुछ चिन्ह होते हैं। आ, हरस्वई, दीर्घई, हरस्वउ, दीर्घउ, री, ए, ए, सभी स्वर वर्णों के निश्चित चिन्ह होते हैं, जिन्हें हम मात्रा कहते हैं। अ के लिए कोई मात्रा निश्चित नहीं है। आ की मात्रा, हरस्वई की मात्रा, दीर्घई की मात्रा, उ की मात्रा और दीर्घ उ की मात्रा। अब हम इन मात्राओं से बने शब्दों को देखते हैं। आ की मात्रा में एक सीधी रेखा का प्रयोग किया जाता है। आम, नाक, गमला। ई की मात्रा में चिड़िया, हिरन, किला। दीर्घ ई की मात्रा में तीर, गाड़ी, हाथी। हरस्व उ की मात्रा गुलाब, जामुन, कछुआ। दीर्घ उ की मात्रा काजू, भालू, तरबूज। रि की मात्रा ऋषि, पृथ्वी, गृह। ए की मात्रा पेड़, सेब, भेड़। ए की मात्रा गौरैया, कैमरा, सैनिक। ओ की मात्रा मोजा, घोड़ा, ढोलक। औ की मात्रा कौआ, लौकी, तौलिया। अनुस्वर की मात्रा अंगूर, अंगूठी, उंगली। अनुनासिका आंख, हंसना, चांद। और विसर्ग, जिसका हम वर्ण के बाद प्रयोग करते हैं, जैसे छह, नमन, नमः, प्रातः। इन वर्णों के अतिरिक्त री की भी मात्रा है, जैसे ऋषि, यहाँ ऊपर की पंक्ति में लिखा गया है। री की मात्रा का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं। एक स्वतंत्र रूप से ऋषि में, जैसे री लिखा लिखा गया है, और पृथ्वी के रूप में, जैसे प के नीचे मात्रा का चिन्ह है। इसी प्रकार पेड़, सेब, भेड़ में एक ही मात्रा का चिन्ह है। हम एक भी लिखते हैं, परंतु मात्रा वाले शब्दों में पेड़, सेब, भेड़, ढोलक, तौलिया आदि का प्रयोग होता है। धन्यवाद बच्चों, अगली कक्षा में हम वर्ण शब्द पढ़ेंगे।